पी टी आई को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुमायूं दिलावर पर बन्नू में सरकारी एराजी पर कब्जे का इल्जाम, महकमे एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पानी पी टी आई को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुमायूं दिलावर पर बन्नू में सरकारी एराजी पर कब्जे के इल्जाम में महकमे एंटी करप्शन ने ये मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई को सज़ा सुनाने का जो मामला था, बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में है जज हुमायूं दिलावर के वालिद दिलावर खान, भाई सादिक दिलावर और रजिस्ट्रार ताज अली खान नामजद किए गए हैं। महकमे एंटी करप्शन ने अदालत से चारों नामजद मुलजिमान के वारंट भी हासिल कर लिए हैं। मुलजिमान अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए सरकारी ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की है। गैरकानूनी तौर पर कब्जे की गई ज़मीन की मालियत 1.5 अरब के करीब बनती है। मुसद्दिक अब्बासी मामले खुसूसी एंटी करप्शन की जानिब से ये दावा किया गया है। एफआईआर में नामजद सादिक दिलावर ग्रेड 17 के सरकारी अफसर के साथ हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं सैफ चिरानी से। जी सैफ, बताइए क्या मामला ये? ये तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को सजा देने वाले जज है जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में कहा गया है कि वो जो कि हुमायूं दिलावर है और उसके साथ सरकार राज्य पर कब्जे के इल्जाम में जिक्र किया गया है, उनका ये कहना है कि जो मुकदमा है उनमें जज हुमायूं दिलावर खान के वालिद दिलावर खान, भाई सादिक दिलावर और रजिस्ट्रार ताज वली खान को भी नामजद किया गया है। इस तरह महकमे एंटी करप्शन की अदालत से चार जो नामजद मुलजिमान है उनके वारंट भी हासिल कर लिया है। जब हमारी मुसद्दिक अब्बास से बात हुई जो कि इस वक्त मुशीर है एंटी करप्शन के, तो उनका ये कहना है कि मुलजिमान अदालती फैसले में जली इंदराज के जरिए सरकारी जमीन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की, लिहाज जो गैर कानूनी तौर पर कब्जे की गई जमीन की मालियत है वो 1.5 अरब के करीब बनती है। तो उनका ये कहना है कि एफ आई आर में नामजद सादिक दिलावर ग्रेड 17 के सरकारी ऑफिसर के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। तो उनका ये कहना है कि सादिक दिलावर के खिलाफ दो जगह मुलाजिमत करने पर ईएनडी रूल्स के तहत भी कार्रवाई करेंगे। तो मुकदमे में ये भी कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ एफआईआर की कापी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार को भी भेजेंगे। तो मुकदमे ये कहा गया कि जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ केस सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब चरानी।